स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों स्टडी आई क्यू देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी छब्बीस ग्यारह दो हजार आठ भारत को एक ऐसा जख्म दिया इस पूरे हमले ने जिसमें तमाम लोगों की भारत में जाने गई बहुत से हमारे सैनिक शहीद हुए बहुत से फोर्सेस के पुलिस के हमारे जो सिपाही थे वो शहीद हुए ये वो हमला था जिसने भारत को एक तरह से झकझोड़ दिया था उस समय तक इस हमले में पाकिस्तान से दस आतंकवादी आए थे इन दसों में से नौ आतंकवादियों को हमारी फोर्सेस ने मार गिराया और जो एक आतंकवादी कसाब जो बचा हुआ था उसे बाद में फांसी दी गई इन्हें अपनी सजा मिल गई लेकिन इन्हें जो भेजने वाले लोग थे जो मेन कॉन्स्परेटर थे छब्बीस ग्यारह हमले के जो मेन मास्टरमाइंड थे उन्हें सजा नहीं मिली लेकिन अब भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इन्हीं मास्टरमाइंड में में से इन्हीं मेन में से छब्बीस ग्यारह हमले के एक जो मेन मेनर था तहवर हुसैन राणा उसे अमेरिका की अदालत ने भारत भेजने के लिए मंजूरी दे दी है अब यहां पे तहवर हुसैन राणा को भारत लाया जाएगा उसका एक्सटेडिशन होगा और ये ऐसा पहली बार हो रहा है अभी इस बार ये आपको बता दें पहली बार हो रहा है क्योंकि जब यूएस ने यूएस अथॉरिटीज़ ने यूएस सरकार ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स को उनके एविडेंसेस को माना है बकायदा उन्हें मान्य वहाँ पे माना गया है उनकी अदालतों में और वहाँ से ये पहली बार ऐसा डिसीज़न किसी के एक्सट्रोडिशन का ऐसे किसी आरोपी के यू ले रहा है तो ये हिस्ट्री में अभी पहली बार यहाँ पर हो रहा है इसी के चलते यहाँ पर भारत उसे लाया जाएगा तहावुर हुसैन राणा को और आगे जाके हमारी एन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उससे पूछताछ करेंगे, लेकिन आखिर ये तहवर हुसैन राणा है कौन इसके बारे में आज हम आपको पूरा बताने वाले हैं किस तरह से इसने पूरी प्लॉटिंग जो पूरी छब्बीस ग्यारह अटैक की थी वो की थी तो तहव्वर हुसैन राणा का जन्म होता है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के चीचावटनी में और ये जिस परिवार में जन्मा था बहुत ही वेल एजुकेटेड परिवार था बहुत ही अच्छा घर था रईस लोग थे एक तरह से तो यहाँ पे जो इसके फादर थे ये कनाडा में बिजनेसमैन थे इसका जो हम फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इसके जो फ़ादर थे जो इसके पिता थे वो कनाडा में बिजनेसमैन थे उनके बिजनेसेस थे वहाँ पे और ये यहाँ पे पाकिस्तान में चीजापटनी में इसका जन्म हुआ उसके बाद इसने यहीं पे अपनी जो पढ़ाई थी वो करना शुरू किया पाकिस्तान में पहले इसकी पढ़ाई हुई आर्मी स्कूल में उसके बाद ये पाकिस्तान के अटोक में जो कैडेट कॉलेज है हसन अब्दल वहाँ पर इसने अपना एडमिशन लिया इसका एडमिशन वहाँ कराया गया इसके बाद में ये जो कैडेट कॉलेज हसन अब्दल है वहाँ पर अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू करता है ये जो कैडेट कॉलेज है ये मिलिट्री रेसिडेंशियल कॉलेज है एक तरह का मतलब जो पाकिस्तान आर्मी के जो बच्चे जो उनके सैनिकों के जो वहाँ पे काम करने वाले लोगों के बच्चे होते हैं वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं तो ये उस कॉलेज में उस स्कूल में इसका वहाँ पे एडमिशन होता है अब वहाँ पे जब ये पढ़ाई अपनी लगातार कर रहा था इस बीच इसको यहाँ पे एक इसका दोस्त बनता है उसका नाम था दाऊद गिलानी ये जो नाम है दोस्तों दाऊद गिलानी ये आप बखूबी इस नाम को जानते हैं और आप में से कई सारे लोग इस नाम को पूरी तरह से इससे वाकिफ़ होंगे परिचित होंगे आगे जाके इसी कहानी में आपको इस नाम का असली नाम इसका समझ में आएगा ये कौन था जिस नाम से आप इसको जानते हैं तो यहाँ पे इसका एक दोस्त बनता है इसी स्कूल में कैडेट कॉलेज में दाऊद गिलानी नाम का अब ये दाऊद गिलानी जो था इसका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड समझ लीजिए ये जो था ये भी एक बहुत ही अच्छे बड़े परिवार से आता था पाकिस्तान में जो इसके पिता थे उनका सरकार में भी दखल था उनका पाकिस्तान आर्मी में भी दखल था और जो इसकी माँ थी वो अमेरिकन थी वो यूएस से थी तो ये जो दाऊद गिलानी था बहुत ही अच्छे बड़े परिवार से आता था देखने में भी एकदम इस तरह का लंबा चौड़ा और उसका गोरा चिट्टा लड़का था एक तरह से तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इन दोनों की मुलाकात होती है और करीबन पाँच साल तक इनकी दोस्ती लगातार रहती है पाकिस्तान में उस कैडेट कॉलेज के जो स्कूल था उसमें अब यहाँ पे चलते चलते हुआ क्या कि इनकी दोस्ती यहाँ पे रही पाँच साल लेकिन यहाँ से निकलने के बाद जो दाऊद गिलानी था जो इसका दोस्त था ये अपनी माँ के पास यूएस चला जाता है और जो तहव्व राणा था तो राणा ने यहाँ पे क्या किया कि इसने स्कूल से निकलने के बाद पाकिस्तान आर्मी में कमीशन होने के लिए अप्लाई किया और इसके लिए इसने यहाँ पे अप्लाई किया इसका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री स्कूल था जो पाकिस्तान का मिलिट्री कॉलेज था रावलपिंडी में वहाँ पे इसका एडमिशन होता है अब जब इसका एडमिशन हुआ तो यहाँ पे इसकी पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ से ये यह अपना पूरा एमबीबीएस करता है पूरा बकायदा मेडिकल में इसने अपनी डिग्री की एम करने के बाद में पाकिस्तान आर्मी में इसे पहले जो सेकेंड लेफ्टिनेंट होते हैं उस पद पर इसका डिजिग्नेट होता है ये उस ये पद उसको मिलता है अब सेकेंड लेफ्टिनेंट के पद पर जब ये आया तो इसने वहां पे पाकिस्तान आर्मी के साथ मेडिकल कॉप्स में उसकी काम किया मेडिकल डिपार्टमेंट में वहां पे काम करता था लेकिन उसके बाद में इसका प्रमोशन होता है फिर ये कैप्टन भी बन जाता है अब इस बीच क्या था ये नाइनटीन का दौर आ चुका था इसकी शादी होती है नाइनटीन में फाइव राणा की शादी होती है एक लड़की के साथ में और वो लड़की जो थी वो थी पाकिस्तान की लेकिन वो थी कैनेडियन सिटीज़न उसके पास कनाडा की जो सिटीज़नशिप थी वो थी उससे इसकी शादी हो जाती है उस लड़की से 1995 में इसी बीच हुआ यहाँ पे क्या कि जब ये कैप्टन बन चुका था पाकिस्तान मेडिकल कॉप्स में पाकिस्तान आर्मी के तो वहां पे इसको जिस जगह की पोस्टिंग दी गई थी वहां पे पहुंच नहीं पाया तो इसके तहत पाकिस्तान आर्मी ने इसको अपनी जो पूरी इसकी नौकरी थी उससे इसे निष्कासित कर दिया इसको हटा दिया जब ये हटाया गया पंचानवे के आसपास तो उसके बाद इसने करीबन एक दो साल बताया जाता है कि पाकिस्तान में डॉक्टर की तरह काम किया क्योंकि एम बी ये पहले कर ही चुका था अच्छा और यहाँ पे जो इसकी वाइफ थी वो भी फिजिशियन थी वो भी इसी पूरी मेडिकल लाइन में थी हुआ क्या कि जैसे ही ये डॉक्टर का वहाँ पे काम कर रहा था 1997 आता है करीबन दो साल बाद ही इसने यहाँ से अपना जो इसकी वाइफ थी जिसके पास कैनेडा के, की सिटीजनशिप थी इन लोगों ने कैनेडा जाने का प्लान किया और ये यहाँ से पहुँच जाता है कैनेडा पूरी तरह से इसने यहाँ पे पाकिस्तान को छोड़ दिया अब लगातार ये वहाँ पे काम करता रहा कैनेडा पहुंचा कैनेडा में जाके अब इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे अपने बिज़नेस खोले छोटे छोटे बिज़नेस पहले शुरू किए अलग अलग जगह पे कनाडा के टोरंटो में वहां पे इसने अपना एक बिज़नेस खोला लेकिन इसके बाद में जैसे ही इसको कनाडा की सिटीजनशिप मिलती है 2001 में तो इसको जब वहां पे जून 2001 में करीबन इसको सिटीजनशिप जब कनाडा की मिलती है तो ये अपना पूरा प्राइमरी बेस जो इसका था वो बनाता है शिकागो को ये कैनेडा से शिकागो चला जाता है शिकागो में जाके इसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया उसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड इमीग्रेशन सर्विसेज ये जो नाम है दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड इमीग्रेशन सर्विसेज इसका बहुत बड़ा रोल है भारत में हुए मुंबई टेरर अटैक्स में ये आपको पूरी इस कहानी में आगे पता चलने वाला है जुड़े रहिएगा हमारे साथ ये जो फर्स्ट वर्ल्ड इमीग्रेशन सर्विसेज थी इसमें ये यहाँ पे अपना शिकागो में इसका मेन ऑफिस बनाता है और इसी के साथ में कई अलग अलग जगह पे इसके छोटे छोटे ब्रांचेस को बनाता है जैसे न्यूयॉर्क सिटी में इसका एक ब्रांच था एक टोरंटो में इसने ब्रांच अपना बना दिया जहां ये ये पहले रहता था तो ये सब चीजें चलती हैं इसके बाद ये अपने जो अलग अलग ऑफिस इसने इसने बनाए तो यहां से अब इनमें इमिग्रेशन का काम करना शुरू किया और यहाँ बताया जाता है कि ये लगातार पाकिस्तान के साथ भी कॉन्टेक्ट में था क्योंकि जिस तरह से अब आगे तार जुड़ेंगे इस कहानी के आप बखूबी ये समझ पाएंगे किस तरह से ये अपने उस पुराने दोस्त के भी कॉन्टेक्ट में था और किस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई के भी कांटेक्ट में रहा होगा उस समय तक क्योंकि जिस तरह ये आगे अभी आपको फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस का ये जो कंपनी थी इसकी इसका इसमें रोल पता चलेगा तो आप ये समझ पाएंगे कि किस तरह से ये लगातार कॉन्टेक्ट में उनके रहा होगा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका एम है आपका सपना है इस एग्जाम को क्रैक करना आई बनना तो इंडिया का बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया यहाँ पे एक प्रोग्राम इस प्रोग्राम का नाम है प्रिलिम्स टू इंटरव्यू पी टू आई बैच है ये पूरा इसमें आपको दो बैचेस मिल जाते हैं मॉर्निंग और इवनिंग इसकी खासियत यही है कि इसमें आपको प्रिलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की और इसी के साथ आपको दो बैच यहाँ पे मिल जाते हैं एक मॉर्निंग बैच एक इवनिंग बैच अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे आप बैच चूज करिए नीचे आपको एक कोड दिख रहा होगा फोटो में पूरा डिटेल दिख रहा होगा इस कोड में ये जो कोड है बीजे लाइव ये आप हमारे यहाँ पे कोड लगाइए और इसी के साथ आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट इस पूरे बैच पर मिलेगा और इसी के साथ आप अपने एक बहुत बड़ा स्टेप लेंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इसकी तैयारी में आई बनने के लिए तो वापस से अपने एपिसोड की तरफ चलते हैं ये जो ताबु राणा था इसने अपना पूरा ये बिजनेस बना लिया था शिकागो में अलग अलग जगह पे उसके ऑफिसज थे न्यूयॉर्क में टोरंटो में अब यहाँ से क्या होता है कि ये समय आ चुका था 2002 तक का 2002 में ये यही साल था जब इसका जो पुराना दोस्त था जो इसके स्कूल में इसके साथ में था पांच साल ये लोग साथ में पढ़े थे दाऊद गिलानी ये यूएस चला गया था स्कूल के बाद में अपनी माँ के पास में ये यूएस में ही लगातार वहां पे रह रहा था लेकिन वहां पे रहने के बावजूद ये पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान सरकार के साथ में वहां पे आईएसआई के साथ में लगातार संपर्क में रहता था ये लगातार उसके लिंक्स थे क्योंकि इसके फादर भी खुद बहुत ज़्यादा दखल रखते थे इसमें पाकिस्तान सरकार और आर्मी में तो इसके लगातार वहां पे लिंक्स थे और इसी के साथ इसके लिंक्स यहाँ पे जो दाऊद गिलानी था इसका दोस्त तहबूर राना का दाऊद गिलानी के यहाँ पे लिंक्स बनते हैं बहुत सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इसी के चलते लश्कर तैयबा जो एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके पाकिस्तान के कैंप्स में दाऊद गिलानी जाना शुरू करता है ये यूएस में रह रहा था लेकिन ये वहाँ पर पाकिस्तान जाता है और करीब दो से लेकर दो तक पाँच बार ये पाँच बार उन कैंप्स में गया है ट्रेनिंग की है उसने वहाँ पे वहाँ पे जाके लोगों से उनके हैंडलर्स से मिला है 2002 में फरवरी और अगस्त में गया 2003 में अगस्त में अप्रैल में और दिसंबर में गया इस तरह से इन पूरे इस एक साल के 2002 से 2003 के बीच में ये करीब पांच बार लश्कर तैयबा के कैंप्स में गया इसी के साथ दाऊद गिलानी ने यहाँ पे क्या किया अब आप ये सुनिए दो आता है करीबन पंद्रह फरवरी दो की बात है इसने यूएस के फिलाडेल्फिया में जो इसका नाम था दाऊद गिलानी उसे चेंज किया और एक नया नाम इसने अपनाया और यह नाम था जिसे आप सभी लोग जानते होंगे डेविड कोलमेन हेडली ये वो नाम था जो इसने यहां पे अपनाया एक ऐसा नाम जिससे ना तो मुस्लिम लगे ना ये पाकिस्तानी लगे ये नाम इसने यहां एक अमेरिकन सिटीजन का अपना बनवाया उसके फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए यूएस के फिलाडेल्फिया में और ये बात है 2006 की इसने अब की पे अपना नाम चेंज कराया अब ये हो चुका था डेविड कोलमेन हेडली और बार बार अब इसको क्योंकि इंस्ट्रक्शन ये थे जो लश्कर तैयबा से वहां से इंस्ट्रक्शन थे कि इसको अब बार बार इंडिया आना पड़ेगा इसको बार बार भारत आना पड़ेगा यहाँ पे आके रैकी करनी पड़ेगी अब यहाँ आप ये देखिए कि किस तरह से हम ये कह रहे हैं कि इसके लगातार कनेक्शन इसके जो पहला जो इसका दोस्त था तहवुल राणा उसके साथ में इन दोनों के कनेक्शन लगातार किस लिए चल रहे होंगे क्योंकि जब ये पूरी प्लानिंग होती है तो 2006 में अप्रैल और मई के बीच में ये जो समर्स के पहले के महीने होते हैं गर्मियों के इनके बीच में 2006 में ये शिकागो जाता है डेविड कोलमैन हेडली ये शिकागो गया और जाके सीधा वहां पे शिकागो में लश्कर के दो मेंबर्स के साथ में जो लश्कर तैयबा टेरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके दो मेंबर्स के साथ में वहां पे पहुंचा था और वहां पे जाके इसने ये राणा से मिला था तब वो राणा से ये शिकागो पहुंचता है वहां पर जाके तब वो राणा से मिलता है और इसी के साथ में उससे अपना पूरे इस असाइनमेंट के बारे में बताता है कि किस तरह से इसको लश्कर तैयबा ने उनके हैंडर्स ने इस तरह का पूरा काम दिया है कि ये भारत जाए और भारत में जाके बहुत से ऐसे टारगेट्स को आइडेंटिफाई करे बहुत से ऐसे पोटेंशियल टारगेट्स वहां पे बनाए भारत में जहां पे ये लोग अपनी पूरी आगे की कार्रवाई अपने पूरे आगे के अटैक करेंगे ये बात इसने यहाँ पे राणा को बताई और इसी के साथ इसने राणा से ये भी यहाँ पे कहा था वो राणा से कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज है इसका एक ब्रांच हम यहाँ पे खोलना चाहते हैं इंडिया के अंदर ताकि जो आने जाने में लगातार इसका जो मूवमेंट होगा ये बार बार इसको इंडिया आना है उसके लिए वहाँ पे इन्हें एक बेस मिल जाएगा एक तरह से एक कवर का, का काम करेगा वो इनके लिए ये यहाँ पे अप्रूवल इससे लेते हैं और ये जो चीज़ थी ये पूरा इसको बाकायदा ऑर्डर दिया गया था लश्कर तैयबा की तरफ से कि तुम अपने उस दोस्त से मदद लो उसकी जो इमिग्रेशन सर्विसेज का जो उसका बिजनेस है वो इंडिया में खोलो जिससे तुम्हारे लिए वहां पे एक सेंटर रहेगा एक तुम्हें कवर मिलेगा अगर तुम इंडिया जा रहे हो तो लगातार बताने के लिए कि तुम इस तरह से वहां पे काम के लिए काम के सिलसिले से जा रहे हो ये सब चीज़ें होती हैं और इसी के साथ जो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस थी ये जो तहबू राणा की कंपनी थी जिसका मेन जो हेड क्वार्टर था जो इसका मेन एक तरह से कहा जाए बेस था वो शिकागो में हुआ करता था न्यूयॉर्क और टोरंटो में उसके ऑफिसेज हुआ करते थे ये अपना पहला ऑफिस दो में भारत के मुंबई में खोलते हैं अब भारत के मुंबई में 2006 में इन्होंने और पूरा ऑफिस अपना खोला और इसी के साथ हेडली यहाँ पे लगातार अब भारत आना शुरू करता है इसी के साथ राणा ने यहाँ पे कैसे हेडली की मदद की अब आप ये देखिए जो इसका बिजनेस था राणा का फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज उसके एम्प्लॉय को इसने बोला कि राणा के लिए इसकी हेडली के लिए एक पूरी की पूरी एक होल स्टोरी बनाइए बैकग्राउंड स्टोरी कवर स्टोरी इस तरह की जो ये वहाँ पर बता पाए मुंबई में जो ये ऑफिस खोला जा रहा है ये हेडली का ही है इस तरह की एक पूरी स्टोरी बनाओ उसके साथ ही इसने यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट सपोर्ट दिया कोलमैन हेडली को भारत आने के लिए उसको कैसे वीज़ा मिलेगा कैसे वो वहाँ पे अप्लाई करेगा अपनी इमिग्रेशन सर्विसेज का उसने पूरा वहाँ पे यूज़ किया हेडली को पूरा वीज़ा दिलवाने के लिए जिससे वो भारत लगातार आए जाए और इसी के साथ में उसमें जो हेडली का वीज़ा था उसमें उसका नाम भी गलत था जो उसका असली नाम था वो भी नहीं था दाऊद गिलानी और उसका जो फादर का नाम था जो उसके पिता का नाम था हेडली का वो भी नहीं था क्योंकि वो भी पाकिस्तान के जाने माने चेहरे थे तो अब इसी के साथ यहाँ पे ये यह जो पूरा फर्जी एक तरह से वीजा बना था फर्जी एक तरह से सारे दस्तावेज बने थे ये सब बनाने में पूरा मटेरियल सपोर्ट देने में तहब्बुर तो राणा ने डेविड कोलमेन हेडली की अपने बचपन के दोस्त की यहाँ पे मदद की और इसी के साथ में डेविड कोलमेन हेडली भारत आना शुरू करता है लगातार तो हेडली का यहाँ पे भारत आना शुरू होता है करीबन 2006 से लेकर 2008 तक सितंबर 2006 फरवरी 2007 सितंबर 2007 अप्रैल 2008 और जुलाई 2008 ये वो महीने हैं जब हेडली भारत आया और यहाँ पे आके इसने पूरा अपना काम किया पूरी रैकी की है इस अपने छब्बीस ग्यारह हमले से पहले ये लगातार मुंबई आता है बहुत दिनों तक यहाँ पे रहता है एक इसका कवर स्टोरी जो बनी हुई थी कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए काम करता है ये इसके पास पहले से थी तो इसको ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं हुई वहाँ पर रहने में मुंबई में और हर बार जब भी ये निकलता था इन विज़िट्स के लिए अपनी इंडिया की जब भी ये भारत आता था उसके पहले इसे लश्कर तैयबा के कॉन्सप्रेटर्स से जो इसके मास्टर माइंड थे तो वो राणा से बाकायदा पूरे इंस्ट्रक्शन मिलते थे कि किस तरह से यहाँ पे ये जाके अपना काम करेगा क्या क्या इसको वहाँ पे करना है सर्विलेंस किस तरह का करना है कहाँ कहाँ की फ़ोटोज़ लेनी है किस तरह से वीडियो टेप्स बनाने हैं अलग अलग जगहों के जब तक ये हेडली बार बार आके इंडिया में रहा है इसने लगातार बहुत ही एक्सटेंसिव एक तरह से कहा जाए बहुत ही बड़ा सर्विलांस किया है सारी जगह के इसके पास फोटोज थे वीडियोस थे इसने वीडियो टेप्स बनाए पिक्चर्स लगातार ली और ये जगह जो मेन इसने जिन जगह के फोटोज लिए, उनमें आपका जो ताजमहल होटल है ताज होटल मुंबई नरिमन पॉइंट ओबरा होटल लियोपोल्ट कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन जो ट्रेन स्टेशन है इनके फ़ोटोज़ और वीडियो टेप्स इसके पास में थे और ये लगातार इनको अलग अलग लोगों को जाके दिखाता था पाकिस्तान में यहाँ पे एक चीज़ आप ये देखिए कि जब जब ये भारत आया है उसकी विजिट के बाद ये लगातार हर बार पहले पाकिस्तान जाता था और पाकिस्तान जाने के बाद ये वहां पे अपने जो इसके हैंडलर्स थे लश्कर तैयबा के उन्हें सारी डिटेल्स इंडिया की देता था उन्हें वीडियो टेप्स देता था फोटोज़ देता था और जितनी ओरल इन्फॉर्मेशन दे सकता है वर्बल बता सकता है ये लगातार उन्हें ये सारी चीजें वहां पर बताता था इंडिया की अब मार्च 2008 आता है ऐसे करीबन इस टाइम तक ये पांच विजिट कर चुका था इंडिया की पांच बार आ चुका था भारत मार्च 2008 आता है और हेडली अपने जो कॉन्स्परेटर्स थे जो उसके साथ ही थे लश्कर तैयबा के उनसे पाकिस्तान में मीटिंग करता है और इस बार ये लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से अब ये जो आतंकवादी हमें भेजने हैं इन्हें भेजा कैसे जाएगा तो यहाँ पे पहली बार हेडली को ये बोला जाता है कि इस बार तो मुंबई जाओगे लेकिन समुद्र के रास्ते से सी के रास्ते से तो इसी के तहत हेडली पूरा जो सी का रास्ता है जो समुद्र का रास्ता है मुंबई आने का तो मुंबई हार्बर पर वो आता है ये यहाँ पे पहुँचता है बंदरगाह पर और ये यहाँ पे इस बार बाय वाटर आया हुआ था अब हुआ क्या यहाँ पे कि जब ये इधर आया इसने लगातार अपना फिर से सर्वेलेंस चालू किया इसने लगातार फोटोज़ लेने पूरे वीडियो टेप्स बनाने इस पूरी ट्रिप के किस तरह से मुंबई आया जा सकता है समुद्र के रास्ते से इसके पूरे वीडियो टेप्स लिए कहाँ पे आना है क्या पॉइंट रहेगा कहाँ से आप चढ़ोगे और कहाँ पे आप उतरोगे ये पूरा इसने वीडियो टेप्स बनाए उसकी पिक्चर्स ली और ये सब जाके दोबारा से इसने पाकिस्तान में दिखाया ये मार्च 2008 की बात है और इसी के बाद नवंबर 26 2008 जिसे हम 26 ग्यारह के नाम से आप जानते हैं एक तरह से काला दिन था वो 26 नवंबर 2008 को ये लश्कर तैयबा के 10 आतंकी भारत में आते हैं और इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जो तबाही मचाई है वो आप सभी के सामने है लश्कर के प्रॉपरली ट्रेंड आतंकवादी जिनके पास में तमाम सारे फायरिंग आर्म्स थे बंदूकें थी ग्रेनेड थे एक्सप्लोसिव डिवाइसेस थे ये भारत आते हैं उसके बाद मुंबई के उसी जिस तरह से एडली ने बताया था उसी के तहत मुंबई पहुंचते हैं समुद्र के रास्ते से उसके बाद ये ताजमहल होटल को ओबराय होटल को लियोपोल्ट कैफे को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को और नर्मन पॉइंट को टारगेट बनाते हैं और करीबन 170 लोग हमारे भारत के इसमें मारे जाते हैं साथ में छह जो थे वो फॉरनर्स भी थे छह अमेरिकन भी उसमें शामिल थे एक सौ सत्तर लोग यहाँ पे मारे जाते हैं कई सारे हमारे पुलिस के सिपाही ऑफिसर्स हमारे फोर्सेस के लोग इस पूरे अटैक में यहाँ पे मारे गए तो इस तरह से तहवुर राणा ने और डेविड कोलमेन हेडली ने मुंबई टेरर अटैक में दो में अपनी मेन भूमिका निभाई थी मेन कॉन्स्पेटर की और मेन मास्टर की अब इसके बाद क्या हुआ आप ये सुनिए यहाँ पे मुंबई टेरर अटैक हुए 2008 में नवंबर में उसके बाद ही 2009 के शुरुआती महीनों में जनवरी फरवरी में ही ये लोग एक नई

डेविड कोलमेन हेडली ने और लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने यह प्लान किया कि हम इससे बदला लेंगे हम इस पर हमला करेंगे और इनका प्लान था बाकायदा कि डेनमार्क में जो उसका पब्लिशिंग हाउस है इस पेपर का वहां पे जाके हमला होगा और वहां पे कई सारे मर्डर्स किए जाएंगे लोगों को मारा जाएगा और ख़ास तौर पर उस एडिटर को जिसने इसको इजाजत दी पब्लिश करने की और उस कार्टूनिस्ट को जिसने ये बनाया है कार्टून इन दोनों को ज़रूर मारा जाएगा ये यहाँ पे पूरा प्लान करते हैं इसी के साथ अब ये डेविड कोलमैन हैडली यहाँ पे राणा से मिलता है तब वो राणा से इसने क्योंकि ये देख लिया था कि 2008 के मुंबई टैर अटैक में तहाबुुर राणा ने किस तरह से इनका सपोर्ट किया है लश्कर तैयबा के हैंडलर्स भी ये जानते थे किस तरह से इसकी वजह से हमने यहाँ पे कर पाया है भारत का अटैक तो यहाँ पे ये दोबारा से शिकागो आता है राणा से मिलता है हेडली और ये इस बार इसे बताता है कि हमारा अगला टारगेट अब ये है और इस बार फिर से हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है ये यहाँ पे इसको बताता है कि ये जो जायलैंड पोस्टन है न्यूज़पेपर यहाँ पे हम एक हमारा प्लान है कि हम उसकी पहले रैकी करेंगे सर्वलेंस करेंगे जैसे हमने मुंबई में किया था इसके बाद में बाकायदा उसको बोला जाता है कि आप अपना एक ये जो राणा था, था वो राणा ये इसको बोलता है कि आप अपने एक पूरा बिजनेस कार्ड मेरा बना दो अपने कंपनी का जिसके दम पे जिसके बल पे मैं वहाँ पे जाऊँगा उस ऑफिस में और वहाँ पे उन्हें कहूँगा कि मैं इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और हमारी कंपनी आपके अखबार में अपना एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस है वो आपके अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है और इसके बहाने वहाँ पे हेडली क्या करने वाला था ये वहाँ पे सर्वेलेंस करने वाला था ये वहाँ के फ़ोटोज़ लेता अंदर के उस ऑफिस के फ़ोटोज़ लेता वीडियो टेप्स बनाता और इसके बाद में बाहर के वहाँ के किस तरह वहाँ पहुंचा जाएगा उसके वीडियो टेप्स बनाता तो बाकायदा इसी तरह का तहबुर राणा ने किया इसका एक बिज़नेस कार्ड बनवाया जाता है इमिग्रेशन लॉ सेंटर के नाम से इमिग्रेशन लॉ सेंटर ये बिजनेस नेम है ये जो बिजनेस नेम जो रजिस्टर्ड है वो है फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस का था वो रानाई कंपनी का तो यहाँ पे हेडली का ये पूरा कार्ड बनवाया जाता है बिज़नेस कार्ड और इसी को लेकर हेडली यहाँ पे इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में डेनमार्क के कॉपिन में जो उसका ऑफिस है वहाँ जाता है बाकायदा ये वहाँ पर पहुँचा और इसके बाद अगस्त दो की ये बात है जब इसने वहाँ पर जाके पूरा सर्विलांस किया बड़ा सर्विलाेंस किया और इसके साथ ही बहुत सारे फोटोज़ और वीडियो टेप्स वहां के बनाए इसके बाद में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को और एक बड़ा आतंकवादी इलियास कश्मीरी ये सब इसमें इन्वॉल्व थे तब वो राणा इलियास कश्मीरी डेविड कोलमेन हेडली लश्कर तैयबा के और कई कॉन्स्परेटर्स ये लोग पूरा लगातार एक अपना एम बना चुके थे कि अगला अब इनको जो टारगेट करना है वो यही है और इसी के साथ में ये अगस्त 2009 आ चुका था इनका अगला टारगेट यही था कि अब इनके पास डिटेल है और ये अटैक करेंगे लेकिन यहां पे हुआ क्या कि जब ये कॉन्स्परेसी कर रहे थे उस समय यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डेनमार्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एफबीआई ने इस पूरी कॉन्स्पेरेसी को इनकी क्रैक कर लिया उन्हें पता चल चुका था कि ये लोग एक बहुत बड़ा टेर अटैक यहाँ पे प्लान कर रहे हैं डेनमार्क में इस ऑफिस के ऊपर इसी के साथ अठारह अक्टूबर दो को करीबन दो महीने बाद ही जब ये वहां पर गया था सर्विलांस के लिए हेडली उसके करीब दो महीने बाद ही डेविड कोलमैन हेडली को और तहाबावुर राणा को एफ बी आई यहाँ पर गिरफ्तार कर लेती है तो यहाँ पर डेविड कोलमैन हेडली और तहाबुर राणा को एफ बी आई ने अरेस्ट किया उसके बाद में यू एस की कोर्ट में इन पर मुकदमे चले मार्च दो हज़ार दस में यू एस कोर्ट ने हेडली के ऊपर तेरह ऐसे टेरिज़म के चार्जेस लगाए जिसमें बताया गया था कि उसने तमाम सारे लोगों को मारा है और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है साथ ही उस पर एक ये भी चार्ज था कि उसने मुंबई के टेर अटैक में जो छह अमेरिकन मरे हैं उसका भी आरोप इसी के ऊपर यूएस कोर्ट ने लगाया इसके साथ में यहाँ पे जो राणा था उसको की एक्यूज बना चुकी थी यहाँ पे हमारी भारत की एन हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राणा को दिसंबर 2011 तक की एक्यूज बना चुकी थी इसमें अपनी चार्जशीट पूरी दाखिल कर चुकी थी और साथ में हेडली का भी नाम था और नौ अदर कॉन्स्परेटर्स का भी नाम था पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के जिन्होंने पूरा दो के ये जो अटैक थे वो किए थे यहाँ पे हमें भी ये पता था कि राणा को और हेडली को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है हमारी एजेंसीज़ को भी ये पता था अरेस्ट होने के बाद यहाँ पे राणा ने तब वो राणा ने ये बायदा पूरा एक्सेप्ट किया यूएस के सामने जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके सामने उसने बताया कि वहाँ पे उसे ये पूरी तरह से पता था कि ये लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है डेविड कोलमैन हेडली और ये लगातार में उनसे कॉन्टेक्ट में है उनके साथ टच में है और ये इस तरह से लगा था इंडिया इसीलिए जा रहा है ये सब इसने पूरा यहाँ पे एक्सेप्ट एक तरह से किया हुआ था 9 जून 2011 को एक यूएस कोर्ट की पूरी जजेस की बेंच ने राणा को टेरिज्म को प्रमोट करने के लिए उसे सपोर्ट करने के लिए दोषी करार दिया उसे दोषी बनाया और ये बताया बाकायदा कि ये मटेरियल सपोर्ट एक तरह से पूरा दे रहा था ये जो डेनमार्क का प्लॉट था ये डेनमार्क में जो ये लोग लश्कर तैयबा और हेडली करने वाले थे अटैक उसके लिए पूरा बहुत ही क्रिटिकल जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ताबू राणा ने दिया है लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि ये लोग इसका जो इन्वॉल्वमेंट था ताबु राणा का यूएस कोर्ट जो यूएस के प्रोसिक्यूटर्स थे वो इसको प्रूव करने में कामयाब नहीं हो पाए कि इसका इन्वॉल्वमेंट कितना था लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये ज़रूर प्रूव कर दिया कि इसका जो इन्वॉल्वमेंट था ये एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़ा इसका रोल यहाँ पे था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मटेरियल सपोर्ट इसने यहाँ पे दिया है लगातार जो क्रिटिकल सपोर्ट है मुंबई के टेरर अटैक्स के लिए ये इसने यहाँ पे दिया है डेनमार्क वाले केस में इसके ऊपर पूरे पूरे चार्जेस थे उसके बाद मुंबई के जो चार्जेस थे वो यहाँ पे उन्होंने बताया यूएस कोर्ट ने कि इसने क्रिटिकल सपोर्ट हेडली को और लश्कर तैयबा को प्रोवाइड यहाँ पे किया हुआ है इन्हें यहाँ पे इसी के साथ में कुछ टेप रिकॉर्ड्स भी मिले जो यूएस की एजेंसीज थी उसमें कुछ टेप रिकॉर्ड्स डेनमार्क की जो प्लॉटिंग थी इनकी जो प्लानिंग थी अटैक की उसके उससे रिलेटेड थे और कुछ जो थे वो मुंबई से भी रिलेटेड थे ये टेप रिकॉर्ड थे राणा के और हेडली के बीच के जिसमें एक टेप रिकॉर्ड के अंदर राणा हेडली को बोल रहा है कि ये जो हमारे अटैकर्स थे जो हमारे आतंकवादी थे पाकिस्तान के जो मुंबई में जाके अटैक करके आए इन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड देना चाहिए इन्हें पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड मिलना चाहिए भारत में इस तरह का काम करने के लिए ये राणा तहवुल तो राणा कह रहा है हेडली से तो ये जब यहाँ पे सामने आता है तो कौन मना कर सकता है कि इसमें ये मास्टरमाइंड नहीं था ये मेन कॉन्सप्रेटव नहीं था लेकिन इसके बाद भी हमारी जो एजेंसीज हैं वो अभी इसको लाएँगी वापस और उसके बाद में इससे पूरी तरह से पूछताछ की जाएगी कि कितना ज़्यादा इसका रोल था रिस्पॉन्सिबल था ये उसमें ये जो पूरा भारत को एक कामयाबी मिली है तो वो राणा को कैसे यूएस से अब भारत लाया जा रहा है इसकी शुरुआत होती है 2018 से दिसंबर 2018 में हमारे एन के कुछ बहुत सीनियर ऑफिसर्स ये यूएस के अथॉरिटीज़ से मिलते हैं और वहां पे उन्हें पूरा बकायदा बताते हैं प्रेशराइज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं कि आप इसको तहब्ब राणा को भारत भेज दीजिए क्योंकि ये यह यहाँ पे हमने इस पर चार्जशीट लगाई हुई दो से और अब हमें इसको यहाँ पे सज़ा भी देनी है तो आप इसको भारत भेज दीजिए इसके बाद में मई 2020 में जब कोरोना आया उस बीच में तहब्बर राणा क्योंकि लगातार यूएस में जेल में था अमेरिका में तो ये वहाँ पे अपील दायर करता है अपने जो जेल अथॉरिटी थी उनके सामने कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और मुझे जेल से रिहाई दी जाए तो मई 2020 में जब इसने ये अपील डाली तो इसे कोरोना पॉजिटिव देखते हुए यूएस के उस जेल ने इसको जेल से छोड़ दिया कुछ दिन के लिए निकाल दिया लेकिन जैसे ही इसको निकाला यहां से हमारे भारत के एन के ऑफिसर्स ने हमारे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिसर्स ने 1997 इंडिया यूएस जो एक्सटेडिशन ट्रीटी है उसका हवाला देते हुए अमेरिका को ये बोला कि आप इसको ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर आपने इसको निकाला ये यहाँ पे शीट में है ये यहाँ पे वॉन्टेड ये कहीं अगर फ्लाई ऑफ कर गया ये कहीं भाग गया तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि हम इसको अभी ट्रायल इसकी करना चाहते हैं तो आप बेहतर होगा इसको दोबारा से जेल में डालिए और इसी के तहत उसको कुछ ही दिनों के बाद दोबारा से जेल में डाला गया जिस बहाने से वो निकला था कोरोना पॉजिटिव खुद को बता के एन आई ए ने यहाँ पे दस जून दो हजार बीस को तहवर राणा को भारत लाने के लिए यूएस की एक अदालत में एक अर्जी दी थी हाल ही में 10 जून 2020 में ही और इसी के तहत ये जो अभी फ़ैसला 2023 में आया है यूएस के कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की एक कोर्ट ने जिसमें जज थी जैकलिन चोलजियान चौ, तो जैकलिन चोलजियान जो जस्टिस हैं जो जज हैं उनकी बेंच ने यह पूरा फैसला दिया अड़तालीस पन्नों की एक पूरी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने पूरा बताया कि छब्बीस ग्यारह आतंकी हमले के मुंबई में हुए उसके जो मास्टरमाइंड जो मेन कॉन्सप्रेटर जो तहावुर राणा हैं उसे अब भारत भेजा जाएगा और यह सब हो रहा है भारत और यूएस के बीच की 1997 नाइन ट्रीटी के अकॉर्डिंग तो अब राणा को अब खैर भारत लाया जा रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े कुछ सवाल खड़े होते हैं 2008 में मुंबई पे टेर अटैक हुआ था उसमें ये लोग आतंकी थे उसमें ये लोग मेन कॉन्स्परेटर थे उन आतंकवादियों को सजा हो गई लेकिन ये जो मेन मास्टरमाइंड थे जिन्होंने इनको भेजा था यहाँ पे अटैक करने के लिए इन्हें सजा अभी तक नहीं हुई थी भारत ये जानता था अमेरिका ये जानता था पाकिस्तान के सामने ये पूरी बात साफ थी कि ये जो मेन कॉन्स्परेटर हैं ये यही है डेविड कोलमेन हेडली कॉन्स्परेटर है ताबो राणा कॉन्स्परेटर है इन लोगों को 2008 से करीबन आज 2023 15 साल हो चुके हैं आज तक क्यों भारत नहीं लाया गया इतना समय इसमें क्यों लग गया हमारी सरकारें मौजूदा सरकार और मौजूदा सरकार के पहले जो सरकारें रही हैं वो इसमें क्या कर रही थी एन ने हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2011 में इसको डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो मुंबई टायर अटैक हुआ है उसमें मास्टरमाइंड था उसमें एक कॉन्सप्रेटर था इसके ऊपर चार्जशीट बना दी गई थी लेकिन उसके बाद भी 2011 से जो सरकारें रही 2014 में जो नई सरकार आई दो में फिर से सरकार आई ये क्यों लगातार इसको डिले करते गए थे हाल फिलहाल में ये जो मामला है वो तेजी में आया है दो में जब ये कोरोना हुआ उसके बाद में जब यूएस ने इसको छोड़ने के लिए इसके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तब वो राणा को छोड़ने के लिए कह दिया था लेकिन इसके पहले तक क्या होता रहा और यूएस में जब उन लोगों को ये पता था तो वो इसको क्यों भारत इसका एक्सटर्डेशन नहीं कर रहे थे क्यों इसका प्रत्यर्पण पहले नहीं किया जा रहा था ये बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं दूसरी चीज ये कि तहबू राणा का तो हो गया ये इसको भारत लाया जाएगा एन इससे आगे पूरी पूछताछ करेगा पता चलेगा कि कितना और ज़्यादा इसका इन्वॉल्वमेंट था उस अटैक में भारत के अंदर लेकिन डेविड कोलमेन हेडली जिसे यूएस भी जानता है कि इसने भारत में अटैक करवाए हैं पाकिस्तान जानता है भारत खुद ये बात जानता है कि डेविड कोलमैन हेडली यहाँ पे आया उसने पूरे फोटोज लिए यहाँ पे वीडियो टेप्स बनाए और उसके बाद में जाके इसने लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को दिखाएं तब जाके यहाँ पे अटैक हुआ है डेविड कोलमैन हेडली को कब आखिर भारत लाया जाएगा हमारी सरकारें इस पर क्या कर रही हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमें अपनी सरकारों से पूछना चाहिए क्योंकि ये जो लोग हैं इनकी उम्र अभी बासठ साल करीबन हो चुकी है ये जो ताबो राणा है और डेविड कोलमन हेडली है दोनों ही इकसठ साल के करीब या बासठ साल के करीब के लोग हैं तो क्या ये इसी तरह से इनकी ज़िंदगी पूरी निकल जाएगी यूएस के जेलों में इन्हें हम लोग यहाँ पे अपनी देश में आके सज़ा नहीं दे पाएंगे जहाँ पे इन्होंने गुनाह किए हैं जो यहाँ के गुनेगार हैं इस बात का जवाब आप लोग भी दीजिएगा कब आखिर ऐसा होना चाहिए कब अब ये समय आ चुका है जब हमारी सरकारों को ये स्टेप लेने चाहिए और डेविड कोलमन हेडली को भी यहाँ पे वापस लाना चाहिए तो इस बात का कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा अगले एपिसोड्स के लिए भी अलग अलग टॉपिक्स आप बताइएगा हम लोग आपके लिए ऐसे एपिसोड और टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे तब तक लिए दीजिए इजाजत नमस्कार धन्यवाद जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल